केंद्र सरकार का बजट 2021-22 ने तय कर दिया है कि अब सरकार गरीब की जेब की दुश्मन बन चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के बाद ये त्वरित टिप्पणी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने की है। उन्होंने कहा कि आम गरीब नागरिक के हाथों से नकदी को दूर करने का मंसूबा बना चुके केंद्र सरकार देश की संपत्तियों पर परिसंपत्तियों को पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 37 महीनों की रिकॉर्ड गिरावट का तो इस बजट में सरकार ने कोई उल्लेख नहीं किया है और न ही अर्थव्यवस्था की गति पर कोई ध्यान दिया है। राणा ने कहा कि वित्त मंत्री के बजट संवाद में इसका कोई जिक्र नहीं है। हालांकि करीब 3 दशकों में देश की जीडीपी रिसातल में जाने के बाद ये सबसे बड़ा आर्थिक संकट देश पर बना हुआ है, लेकिन सरकार का पूरा फोकस बेशकीमती संपत्तियों को बेचने के अलावा बजट में कोई मुख्य ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट की सबसे बड़ी बात ये उभर कर आई है कि देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन देश की संपत्तियों और परिसंपत्तियों को बेचना है। राणा ने कहा कि छोटे व मझोले कारोबारियों की मदद के साथ स्वास्थ्य व रक्षा बजट में बढ़ोतरी की जानी जरूरी थी, जो कि नहीं की गई है। रोजगार के सृजन के लिए किसानों व कामगारों की मदद का बजट 2021 में कोई विशेष जिक्र नहीं है। राणा ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक ही बोल रहे हैं कि ऐसा बजट कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा जन विरोधी बजट आज तक के इतिहास में कभी इस देश में पेश नहीं किया गया है। राणा ने कहा कि हैरानी ये है कि जिन करदाताओं के दम पर बची खुची देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, उनको सरकार ने इस बजट में फूटी कौड़ी की राहत की घोषणा नहीं की है। महंगाई व महामारी से आम आदमी का जनजीवन दुश्वार है और केंद्र सरकार बजट में आत्मनिर्भर भारत की डींगे हांक रही है। देखिए, आज जो बजट 2021 का जो केंद्र सरकार ने पेश किया है, जहां तक इस बजट की बात करें, ये बड़ा निराशाजनक बजट रहा है और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे निराशाजनक बजट रहा है। जहां तक मैं अपने प्रदेश की बात करूं, हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश के लोगों को निराशा हाथ में लगी है और हिमाचल प्रदेश के नेता केंद्र में होने के बावजूद भी और फाइनेंस डिपार्टमेंट में होने के बावजूद भी जो है लोगों को, हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी, लोगों को भी निराशा मिली है। और जहां तक इस बजट का प्रश्न है, ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज भी, कोई भी कहीं भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई है कि जो इस बजट से लोगों को खुशी मिले। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो नेशनल हाईवे 69 नेशनल हाईवे जो घोषित किए थे, वो भी साफ तौर पर ये क्लियर हो गया है कि हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं मिलने वाला है। और इस बजट में ये साफ तौर पर देखा गया है कि बजट जो है ये गरीबों के खिलाफ है और ये पूंजीपतियों के पक्ष में बजट दिया गया है और देश की जो बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं उनको बेचने की व्यवस्था जो है सरकार ने कर दी है। इसलिए देश को जो है वो, देश की अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह चौपट हो गई है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। कोविड के दौरान बहुत सारे उद्योगपतियों की, बहुत सारे जो छोटे उद्योगपति हैं उनके बारे में और रोजगार के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है और पूरी तरह इस बार जो ये बजट रहा है पूरा निराशाजनक रहा है। और हमें खेद है कि सरकार जो है हिंदुस्तान की जनता के इच्छाओं के अनुकूल बिल्कुल बजट पेश नहीं कर पाई है। इसलिए